लोजपा भाजपा भाई भाई उसका खामियाजा जदयू को भुगतना पड़ा है। फिर मानते हैं कि लोजपा भाजपा को जिम्मेदार है 100% ये अधिक भाजपा जिम्मेदार है, लोजपा कहाँ जिम्मेदार है, जनता पार्टी की। आप तो भाजपा के लोगों ने वोट नहीं दिया। नहीं कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिकन न्यूज और मैं हूं शिवम कुमार। बिहार विधानसभा चुनाव में जेडीयू को काफ़ी कम सीटें आई और जिसके बाद से जेडीयू जो थी वो बिहार में तीसरे नंबर की पार्टी बन गई थी और लगातार जेडीयू और बीजेपी में खटपट था जो वो देखने को मिल रहा था। आपको बता दें कि आज जेडीयू दफ्तर में प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक बुलाई गई है। बैठक जो है जेडीयू दफ्तर में चल रही है और तमाम जेडीयू के जितने भी नेता हैं एक एक करके सभी लोग पहुँच रहे हैं और ये जो मीटिंग जो चल रही है वो नीतीश कुमार के नेतृत्व में चल रही है। आपको बता दें कि मटिहानी के पूर्व विधायक बोगो सिंह जब यहाँ पहुँचते हैं तो हमने उनसे बात की तो उन्होंने बीजेपी को लेकर एक बहुत बड़ा बयान दिया है। सीधे तौर पे बोगो सिंह ने यह कह दिया है कि बिहार विधानसभा चुनाव में जो जेडीयू को हार का सामना करना पड़ा है वो बीजेपी के कारण हुआ है, लोजपा की इतनी औकात नहीं है। और शुरू से ही बिहार विधानसभा चुनाव के पहले से ही भाजपा और लोजपा भाई भाई के जो नारे थे वो लग रहे थे, तो इसका जो कसूरवार है वो सीधे तौर पे बीजेपी ही है और लोजपा की कोई औकात नहीं है। तो बोगो सिंह ने एक बड़ा बयान दिया है बीजेपी को लेकर और सीधे तौर पे ये कहा है कि प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में वो जाएंगे और इस बात का भी जिक्र करेंगे क्योंकि जो सच्चाई है उसे बोलने में किसी भी तरह का कोई ऐतराज नहीं है। तो आइए सुनते हैं और भी क्या कुछ कहना है बोगो सिंह का। देखिए हम जीवन में ना हारते हैं ना जीतते हैं, रूटीन वर्क में चलते हैं, सेवा हमारी पूंजी है, राजनीति मेरा शौक है, राजनीति हमारी मजबूरी में है। लेकिन वर्तमान परिवेश में जो चुनाव हुआ है उस चुनाव में पूरे बिहार में एक नारा था लोजपा भाजपा भाई भाई, उसका खामियाजा जदयू को भुगतना पड़ा है, इस बात से इनकार नहीं की जा सकती। आज आज वो बात रखिएगा जरूर, जो सच्चाई है उस बात को तो उठाना जरूरी है ना। तो आप भी मानते हैं कि लोजपा भाजपा की वजह से हारे 100%? तो जितना जिम्मेदार लोजपा है तो उतना ही जिम्मेदार भाजपा को मानते हैं? नहीं, अधिक भाजपा जिम्मेदार है, लोजपा कहाँ जिम्मेदार है, उसका तो कोई वजूद ही नहीं है, कोई औकात ही नहीं है, वो तो प्री प्लानिंग राजनीति थी, रणनीति थी, लोजपा कहाँ जिम्मेवार है, मूल रूप से भारतीय जनता पार्टी की। आप तो भाजपा के लोगों ने वोट नहीं किया? नहीं। तो आप जो सवाल ले उठता है गठबंधन जो है क्या है आपके? अरे भैया, रिपब्लिकन न्यूज से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए यहाँ बेल को दबाएं, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।